हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग मील प्लान, व्हाट आई ईट इन अ डे काइंड ऑफ वीडियो है ये। बट सारे खाने जितने भी होंगे वो सब इंडियन हाउस होल्ड में जो बनते हैं उससे इंस्पायर्ड होंगे। अलॉट ऑफ यू गाइज ऑलवेज कॉमेंट मी कि हम नॉर्मल रोटी सब्जी दाल चावल खा के भी वजन लूज कर सकते हैं, तो मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि येस द आंसर इज येस, इट इज क्वाइट पॉसिबल। फिर भी थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कि अगर मैं दाल चावल रोटी सब्जी खा के भी वेट मेंटेन करती हूँ तो कैसे करती हूँ, क्या मेरे पोर्शन साइज रहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ, तो उसके लिए है आज का वीडियो। अभी तो सुबह हो रही है तो मैं एप्पल साइडर विनेगर कंज्यूम कर रही हूँ, यू गाइज नो, तो नॉर्मल है, इसमें कुछ खास नहीं है, इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया है। ब्रैग्स का एप्पल साइडर विनेगर आई एम यूजिंग, ल्यूकोम वाटर में एक स्पून से ज्यादा नहीं। सो या दैट इज व्हाट आई एम कंज्यूमिंग राइट नाउ। बट उसके बाद फिर जैसे जैसे हमारा नाश्ता वाश्ता होगा वो सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द होल वीडियो टू नो व्हाट यू कैन ईट एज अ इंडियन मील प्लान व्हाइल डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग, एंड आई होप यू एंजॉय। दिस इज सो मच घी आई पुट ऑन माई पराठा, एंड दिस इज वन पिकल एंड वन कप टी। पोज दैट आई एम गोइंग टू हैव माई टी, एंड या दिस इज अ टोटल इंडियन व्हाट आई डिन। सो आप लोगों में से बहुत लोग कहते थे कि क्या हम नॉर्मल घर का खाना खा के भी वेट लूज कर सकते हैं कि नहीं। सो आई थॉट ऑफ फिल्मिंग दिस वीडियो वेयर आई एम कंज्यूमिंग ओनली नॉर्मल घर का खाना एंड स्टिल हाउ आई मेंटेन माई वेट, हाउ आई डोंट गेन वेट। सो आई यू कैन चेक माई पोर्शंस, आप सीख सकते हो कि क्या चीज़ है। लाइक मैं अभी जो आलू का पराठा खा रही हूँ, दैट इज पराठा बना था विदाउट घी और उसके तेल वेल कुछ नहीं लगा, उसके ऊपर मैंने घी डाला है, एंड दिस पराठा इज मेड अप ऑफ मल्टीग्रेन रोटी। तो चाय मैं पी रही हूँ वो जैगरी की बनी है, आप सबको पता है अगर आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करते, तो दीज आर द स्मॉल थिंग्स विच यू हैव टू टेक केयर, आपको ख्याल रखना पड़ेगा इफ यू आर ट्राइंग टू लूज वेट। नो मैटर आप कौन सा, आप इंडियन खाओ, आप इटालियन खाओ, कुछ भी खाओ, बट पोर्शन कंट्रोल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या चीज़ें आपके अंदर जा रही है उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दिस इज माई वन ऑफ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिग इन। गाइस सो ब्रेकफास्ट हो गया है एंड नाउ ब्रेकफास्ट मैंने किया था अराउंड 11:30 बजे और अब बज रहे हैं 1, तो अभी मैं फिल्म करूंगी एक वीडियो तो 1:30 बज जाएगा एंड देन आई विल हैव माय लंच। द आइडिया हियर इज कि हम लोग हमेशा डरते हैं कि ये खाएंगे तो वजन बढ़ जाएगा, वो खाएंगे तो वजन बढ़ जाएगा, बट अगर आप पोर्शन कंट्रोल करके कुछ भी खाओगे आपका वजन नहीं बढ़ेगा। एंड आपने देखा मैंने सुबह आलू का पराठा खाया, एंड मैं खाती हूँ, अक्सर खाती हूँ, ऐसा नहीं है कि हर वक्त मैं ओट्स का चीला ही खाती हूँ। आई हैव मल्टीपल ऑप्शंस एज माय ब्रेकफास्ट, सो जस्ट हैव अ बैलेंस एंड डोंट बी स्केयर्ड ऑफ फूड कि ये खा के वजन बढ़ जाएगा। अगर 1-2 किलो बढ़ भी गया, अगर आपने कुछ ऐसा खा भी लिया जिसके वजह से बढ़ गया, तो डेफिनेटली हम लोग कुछ ऐसा करेंगे जिससे 2 किलो वापस कम हो जाएगा, एंड यू जस्ट डोंट नीड टू वरी। मैं छोटे छोटे मल्टीपल मील्स लेती हूँ जस्ट टू स्पीड अप माय मेटाबॉलिज्म, सो यू कैन ऑल्सो डू द सेम बिकॉज इंटरमिटेंट फास्टिंग में एक लिमिटेड विंडो में कंज्यूम करने होते हैं खाना, तो इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं 8-9 घंटों में सारा चीजें जो मैं खाना चाहती हूँ वो खा लूँ। सो या दैट इज ऑल्सो अ लिटिल बिट ट्रिकी पार्ट, बट मैं इंडियन मील्स खाऊंगी आज पूरे दिन, दाल चावल रोटी सब्जी, एंड यू विल सी हाउ यू कैन इनकॉर्पोरेट दीज काइंड ऑफ मील्स एंड नॉट गेन वेट। ओके सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। ऑलराइट गाइस, सो अभी बच रहे हैं अराउंड 1:30 के करीब, अब मुझे लग रही है भूख, बट ऑफकोर्स मैंने सुबह पराठा खाया था तो आई डोंट वॉन्ट टू पुट इन साइड माई बॉडी अनदर ग्रेन जस्ट एज ऑफ नाउ। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, एक फ्रूट काटूंगी डेफिनेटली एप्पल, और उसके साथ साथ आई विल हैव माई पीनट बटर, सो ये मेरा लंच होगा। नाउ आप कहोगे कि ये किस तरह का लंच है, बट डेफिनेटली आपको ये ध्यान रखना है कि ग्रेन्स हमारी बॉडी में जाके सबसे ज्यादा टाइम लगाते हैं उसको पचाने में, तो आपको भी उतना टाइम देना पड़ेगा अपनी बॉडी को टू डाइजेस्ट ऑल द ग्रेन्स, ठीक है। तो अगर मुझे एप्पल खाने के बाद भी भूख लगी, मैंने मॉर्निंग के 2 पराठे रखे थे, तो डेफिनेटली मैं दूसरा पराठा भी खाऊंगी, बट फिलहाल आई विल हैव माई एप्पल अलॉन्ग विद माई पीनट बटर एंड इट इज अ ग्रेट कॉम्बो, आई लव इट गाइज। सो ये ध्यान रखना जरूरी है कि हम लोग रोटी सब्जी खाएंगे तो वजन क्यों ना बढ़े, ऐसा क्या करें हम, तो इसलिए मैं आपको ये टिप्स दे रही हूँ कि ग्रेन्स को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, क्योंकि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, तो मेरा फर्स्ट मील था अराउंड 11:30 बजे मेरा फर्स्ट मील था, तो दूसरा मील खाने के में फिर से मैं कोई ग्रेन ऐड करूंगी तो मेरी बॉडी के लिए ये नाइंसाफी होगी। सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, आई एम गोइंग टू ईट अ फ्रूट।
डेफिनेटली आप इसको रिप्लेस कर सकते हो. आप अपने मॉर्निंग में अपना ब्रेकफास्ट एक फ्रूट के साथ स्टार्ट करो, एंड लंच पार्ट में आप जो मैंने ब्रेकफास्ट में खाया वो खा सकते हो. बट बिकॉज आई डू इंटरमिटेंट फास्टिंग, सो मुझे ब्रेकफास्ट में सबसे ज्यादा भूख लगती है, सो दैट इज व्हाई आई ईट अ प्रॉपर मील इन ब्रेकफास्ट. जनरली दो पराठे, बट मैं हमेशा एक एक करके खाती हूँ. लाइक अभी मैंने एक पराठा खाया था तो मुझे लगा कि आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग एल्स, तो मैं रुक गई. और दूसरा पराठा मैं खा सकती हूँ, बट अभी मेरा मन नहीं है. सो डेफिनेटली ये जरूर ध्यान रखना है आपको. Currently 8:755 to be precise, रात के, और ये मेरा last meal है. ना आप देख सकते हो मेरी प्लेट, आई हैव दिस करेले की सब्जी, राइस. ये स्टीम्ड राइस है गाइज, इसको कोई फ्राइड कोई तड़का नहीं लगाया है. इसका स्टार्च निकाल के आई हैव कुक्ड इट, और सून आई विल बी शेयरिंग अ वीडियो कि कैसे आप वेट लॉस के लिए राइस को पका सकते हो. एक स्पेशल टेक्निक है जिसकी वजह से उसका सारा स्टार्च निकल जाएगा, एंड इट इज गोइंग टू बी अ हेल्दी ऑप्शन. एक्चुअली राइस एक हेल्दियर ऑप्शन है देन योर चपातीज, पर क्योंकि चपातीज में हम लोग लिमिट कर सकते हैं, और राइस में भी डेफिनेटली गो ओवरबोर्ड क्योंकि समझ नहीं आता कि कितना राइस ले, तो इसलिए हम लोग राइस को अवॉइड करते हैं. बट अगर आप राइस को सही क्वांटिटी में खाएं तो वो चपाती से एक बेहतर ऑप्शन होता है, बिकॉज इट इज रियली मच लाइटर देन योर चपाती. तो आप देख सकते हो दिस इज अ सिंपल इंडियन कलर का खाना. नॉर्मली हम लोग के घर में इसी तरह का खाना बनता है, एंड स्टिल आई एम यूजिंग दिस फॉर माई वेट लॉस. आप देख सकते हो राइस की क्वांटिटी. आप मेजर कैसे करोगे, इस तरीके का कोई बोल जिसमें आप डाल लोगे उसी में आप फुल ऑन राइस भर लो, और जितना वो आप भर लोगे उतना ही आप अपनी प्लेट में पोर करोगे. उसके साथ सैलेड होना बहुत जरूरी है. मेरे घर में आज सिर्फ खीरा था, तो सिर्फ खीरा, नथिंग फैंसी. करेला बिटर गॉर्ड इज रियली गुड, अ हेल्दियर ऑप्शन डेफिनेटली हर तरीके से. सो दिस इज गोइंग टू बी आवर इंडियन डाइट मील, और आप इस खाने से भी वेट लूज कर सकते हो, बट पोर्शन कंट्रोल होना चाहिए. है गाइज, ये सब ध्यान रखोगे तो आपका वजन कम होगा. इतना ज्यादा सोचना नहीं है कि कोई फला. मैं एक्चुअली यूजली इंडियन मील्स इतने प्रेफर नहीं करती हूँ, बिकॉज आई डोंट लाइक इट दैट वे. थोड़ा ओट्स वोट्स बनाना मच इजियर देन दिस प्रॉपर मील, इसलिए आई डेफिनेटली ये मील बेहतर है. अगर आप फैमिली के साथ रहते हो ये मील्स आप खा सकते हो. पोर्शन कंट्रोल को ध्यान में रखो. सो गाइज, एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी हम लोग कोई डाइट करते हैं, हम लोग हमेशा भूल जाते हैं कि हम लोगों को पानी भी पीते रहना है. सो दिस इज द जार, दिस इज अ कप, ये 600 ml का है, और मैं अराउंड ये 8 से 9 बार पीती हूँ. सो हाइड्रेट रहना भी बहुत ज्यादा एसेंशियल है इफ यू आर ट्राइंग टू लूज वेट, बिकॉज देन आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन नहीं होगा. अगर आपने पानी कम पिया है, बॉडी वाटर स्टोर करने लगती है, एंड दैट गिव्स यू पफिनेस, ब्लोटिंग. पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है, उतना ही. Yes guys, this is the final, my last thing which I do at night, which is sipping my really soothing tea. और मैं बहुत ज़्यादा strong नहीं बनाती हूँ because it is at night and I really make sure that मैं अपनी skin का भी ध्यान दूँ. तो जो भी products मैंने use किया उसका link मैं description में डाल दूँगी. They are really good. I like Face Shop as a brand. And yeah, this is my last thing which I eat or drink or whatever. पर मेरा last meal around 8 बजे जो मैंने आपको दाल चावल दिखाया था वो मैंने खा लिया था. So this is not counted
एज अ मील। इंटरमिटेंट फास्टिंग करते वक्त आप आराम से ग्रीन टी, पानी, ग्रीन कॉफी, ब्लैक कॉफी ये सब पी सकते हो। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट अ मिलियन टाइम। आज मैं लैवेंडर टी पी रही हूँ और जो फ्रेग्रेंस है मेरे डिफ्यूजर में वो भी लैवेंडर है। दिस इज सच अ कोइंसिडेंस। सो या दिस इज द फुल डे ऑफ ईटिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टाइल इंडियन मील प्लान्स के साथ। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर पसंद आया गिव इट अ बिग फैट थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टू स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस। एंड या आई सी यू गाइस सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। स्टे फिट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।